स्टार प्लस के लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात आप देखने वाले हैं कि नायरा का जो डर है वो सच होता नजर आएगा। एक तरफ तो गोद भराई की सेरेमनी में हर कोई काफी ज्यादा खुश होगा तो दूसरी तरफ कार्तिक को आज रात आएगा कृष्णा का कॉल जो उसे तकलीफ में बुलाकर कहेगी कि सुपरमैन जल्दी आ जाओ। यहाँ पर कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। वो घर वालों से कहेगा कि ये मेरा और कृष्णा का कोडवर्ड था कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी परेशानी होगी तो वो मुझे ये कोडवर्ड कहेगी और मैं बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ा चला जाऊंगा। मुझे ऐसे में नायरा लगता है कि जाना चाहिए। नायरा भी कहती है कि हाँ कार्तिक, वैसे भी यहाँ पर सारी रस्में ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, तुम जाओ और कृष्णा को वहाँ से लेकर जल्दी घर आओ। कार्तिक यहाँ पर नायरा से वादा करता है और कहता है कि ठीक है तो आप सब लोग घर पहुँचिए, मैं कृष्णा को लेकर सीधे वहीं से घर आ जाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जाते जाते कार्तिक और नायरा के बीच में एक अनजानी सी स्ट्रेस, अनजाना सा टेंशन होगा जो कार्तिक भी नायरा से नहीं कहेगा और नायरा भी कार्तिक से नहीं कहेगी। यहाँ पर कार्तिक चाचू से प्रॉमिस मांगता है कि वो उसको और उसके बेबी को यानी कि नायरा को और उसके बच्चे को घर तक सही सलामत लेकर जाएंगे। जैसे तैसे इमोशनली गुड बाय कह के कार्तिक वहाँ से कृष्णा की हेल्प करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ नायरा घर पहुँच कर कार्तिक का वेट करती है, लेकिन वेट करती ही रह जाती है क्योंकि ना तो कार्तिक का फ़ोन लगता है ना ही उसका कोई मैसेज आता है। हालांकि बीच में उसका बेटा कायरव उसे कॉल करेगा वीडियो कॉल और पापा से बात करने की डिमांड करेगा, लेकिन यहां तो कार्तिक के दूर दूर तक पते नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नक्श और कीर्ति आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि कैसे उनके बेटे के आ जाने के बाद वो सबके सामने डिवोर्स की बात बताएंगे और यहाँ पर कीर्ति नक्श से ये रिक्वेस्ट कर रही होगी कि क्या हम अपने रिश्ते को एक बार और नया मौका नहीं दे सकते। इस बात में नक्श उसको अपसेट तरीके से जवाब देगा और कहेगा कि नहीं, जो कुछ आपने करना था आप कर चुकी हैं, अब हमारा अलग रहना ही सबसे बेहतर होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कार्तिक के इंतज़ार में नायरा सुबह से शाम तक बैठी रहेगी और सोचते सोचते इंतज़ार करते करते उसकी आँखें लग जाएंगी। नायरा को यहाँ पर एक बहुत ही डरावना भयंकर सपना आएगा जिसमें वो देखेगी कि कार्तिक के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। जी हाँ, आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर नायरा सपने में देखेगी कि वो एक ऐसे रूम में खड़ी है जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और सामने पड़ी है एक लाश और वो लाश सफ़ेद चादर में लिपटी हुई है और जैसे ही तेज़ हवा चलती है उस चादर का हटता है एक कोना और उसमें से कार्तिक की शक्ल उसे नज़र आती है। ये सपना देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाएगी और अनजाने में घबराते हुए डरते हुए वो उठ जाएगी और जैसे जैसे दिन बीतेगा वहाँ पर कायरा यानी कि कार्तिक और नायरा के बीच की बॉन्डिंग नायरा मिस करेगी और वो देखते ही देखते दोपहर भी हो जाएगी, लेकिन कार्तिक का ना तो कोई फ़ोन आएगा ना ही मैसेज। यहाँ पर नायरा बहुत ज़्यादा अपसेट होगी और तभी वहाँ पर पुलिस आएगी और पुलिस इन्फॉर्मेशन देगी कि जिस गाड़ी में नायरा के हस्बैंड कार्तिक गोयनका गए थे वहाँ से वो मिसिंग है और उनकी कोई ख़बर नहीं है। ये बात सुनकर नायरा बेहोश हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, कैसे नायरा को इस बात का दिलासा दिलवाएगी फैमिली की, आप उसका प्यारा कार्तिक, उसका हमेशा ध्यान रखने वाला कार्तिक जो हमेशा ये प्रॉमिस करता था कि उसके होते हुए नायरा को कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती, वो मिसिंग हो चुका है। अब कैसे बेचारी नायरा अपने आप को संभालेगी, ये सब कुछ देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मिसिंग ट्रैक से क्या नायरा और कार्तिक की ज़िंदगी एक बार फिर से एक बड़ा और नया मोड़ लेने वाली है? अपनी अपनी राय कॉमेंट ज़रूर करें।